जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ संगत बहुत खुश होगी और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले रही होंगी एंड गुरु जी हमें सबको ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे और हमेशा देते रहेंगे क्योंकि वो हमारे अंगसंग हैं। तो संगत जी, आज मैं आपके सामने एक सत्संग शेयर कर रही हूँ, अनिल अग्रवाल जी का सत्संग है एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने अपने बारे में, अपनी बीवी के बारे में एंड और भी जो उनके साथ साथ घटित हुई घटनाएं, जो भी उन्होंने गुरु जी के चमत्कार देखे वो भी उन्होंने शेयर किए हैं। और दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं एंड मैं चाहती हूँ आप पूरा जो ये है सत्संग सुने और देखें कि गुरु जी कैसे हमारे अंगसंग रहते हैं। और आपको इस क्लिप में, इस वीडियो में गुरु जी की बहुत पुरानी पुरानी फोटोज़ भी देखने को मिलेंगी। तो आशा चाहती हूँ कि आप देखें और आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे कि मैं गुरु जी की जो सत्संग है, जो कुछ लोगों तक नहीं पहुँच पाते उनको शेयर कर सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी है सब पर गुरु जी का बराबर का अधिकार है और गुरु जी की सबको बराबर ब्लेसिंग्स है। इसलिए ये जो आप सत्संग सब लोगों को सुन रहे हैं उनका मेन मकसद इतना ही है, कोई गुरु जी की बढ़ाई करना है या उनका व्याख्यान करना नहीं है। आपके लिए एक होप और आपके लिए एक जगह पैदा करना है कि आप भी इस तरह अपना सुख चैन और लाभ ले सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि मेरी वाइफ की किडनी में स्टोन था और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसे मलेरिया फीवर हो गया, उसमें जो ड्रग्स हैं दे आर कंट्राइंडिकेटेड। स्टिल क्योंकि प्रेगनेंसी थी, आई वाज इन कानपुर, मेरी गुरुजी से बात हुई, गुरुजी की बहुत विशेष कृपा थी। आप अभी भी संगत में गुरुजी के प्रेजेंस और उस चीज को महसूस करिए, गुरुजी यही है, हम सबके साथ हैं, हम सबके हृदय में हैं, ऐसा महसूस करिए आप। तो जब वो ड्रग्स हमने गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने कहा ठीक है, जो डॉक्टरी करना है करो, बाकी मैं देखूंगा। तो मैंने इसको क्लोरोक्वीन वगैरह दी क्योंकि वो ड्रग्स इतनी जरूरी थी कि अदरवाइज वो फीवर डाउन नहीं आ रहा था। उसका रेटिंग हमारी मेडिकल बुक्स में कंट्राइंडिकेशन है कि अगर क्लोरोक्वीन वगैरह ड्रग्स देते हैं तो जो चाइल्ड है उस पर उसका नेगेटिव इफेक्ट है। बट बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी की कृपा से बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई और हमारी प्रेगनेंसी चलती रही। और जो जो सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे 6-7 मंथ्स में जो वाइफ के किडनी में स्टोन था, उस स्टोन की वजह से उसकी बॉडी स्वेलिंग आ गई और उस स्वेलिंग आने से उसको जो फीवर और पेन शुरू हो गया, हमें इमरजेंसी में रश करना पड़ा डॉक्टर नगम के पास, दीपक मोहन के पास। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था कि प्रेगनेंसी बाद में कंटिन्यू करना, पहले स्टोन रिमूव कराना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर में सामान लेके आता हूँ एडमिट करने के लिए। और बोले तुम अपनी वाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट मत करो एंड लेट हर गेट रिड ऑफ दिस स्टोन एंड वी विल ऑपरेट हर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर से सामान लाता हूँ, बट मैं घर जाने के बजाय मैं गुरुजी के आश्रम पहुंचा। गुरुजी वहां बैठे हुए थे तो मैं गुरुजी से बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है और मेरी वाइफ को ऑपरेट करने वाले हैं। तो गुरुजी ने बोला कि पहले लंगर कर लो। मैं कहा जी मेरे को तो आधे घंटे में एडमिट करना है वाइफ को। तो गुरुजी बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम आराम से लंगर करो। मेरी वाइफ को भी पेन हो रहा था, स्वेलिंग थी और फीवर था, यूरिन पास नहीं हो रही थी, प्रेगनेंसी थी। तो मैंने लंगर किया, गुरुजी ने बोला इसको थर्ड डे लेके आना, तीसरे दिन इसको लेके आना। आप लोग जो अभी यहाँ पे हम स्थिति देखते हैं वो पहले गुरुजी की थी। गुरुजी के सामने हम लोगों ने कभी इफ एंड बट नहीं किया, ना गुरुजी से कभी किसी ने, जो गुरुजी ने कह दिया वो हम रीजन करते थे कि ऐसा गुरुजी ने क्यों बोला है। तो हम सोचते थे कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला है, वो हम सोचना होता था। तो पात्र की पात्रता के हिसाब से गुरुजी ने सबको वो सब जो संभव है वो दिया और जिसके जितनी कहते हैं ना हिम्मत है उतना उन्होंने गुरुजी से लिया। तो हम चले गए, गुरुजी ने मेरे से एक लाइन बोली थी कि वाइफ को लेके थर्ड डे आना। तो मैंने कहा आज कल इसे ऑपरेट करेंगे, वाइफ को लेके मैं कैसे आ पाऊंगा। बट मैं वहां से निकल गया जैसा गुरुजी ने बताया। तो सेकंड डे हमने उस रात में एडमिट कर दिया और सेकंड डे उन्होंने डॉक्टर दिनेश सुमन ने उसको, एक जो पहले केस था वो लेट हो गया तो 3-4 बज गए। तो मैंने उनसे कहा, मेरे मन में गुरुजी की प्रेरणा से बात आई, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। तो दिनेश सुमन बोले कि अल्ट्रासाउंड करने से क्या होगा, मैं पूरे दिल्ली के डॉक्टर्स का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हूँ गुरुजी की कृपा से,
तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, नॉन इनवेजिव टेक्निक है तो इसमें अगर अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं तो ये डिस्क, जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ गए क्योंकि जितनी ग्रॉस हाइड्रोनेफ्रोसिस थी वो उन्हें थोड़ा सा कम होती हुई नजर आ रही थी मॉडरेट लेवल पे। तो उन्होंने प्लान किया जो मेरे मन की इच्छा भी थी कि वो आज ऑपरेट ना करें और कल करें। तो कल जब उन्होंने बोला कि कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, आज लेट भी हो गए, कल पहला टेस्ट लगाएंगे, तो उसका जो फीवर था वो रात में और सबसाइड हो गया, यूरिन वगैरह आने लगी। तो नेक्स्ट डे जब डॉक्टर विनेश तुमन ने अल्ट्रासाउंड किया तो वो उसकी किडनी की स्वेलिंग भी काफी कम हो गई थी, और थर्ड डे उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी प्रेगनेंसी में ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं और उसके बाद ये समस्या के बारे में सोचेंगे, अभी ड्रग्स वगैरह को देकर उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो गुरुजी पहले संगत में सातों दिन बैठते थे, जब थर्ड डे हम घर आए तो हमको ध्यान आया कि गुरुजी ने हमारी वाइफ के साथ हमें बुलाया था। तो मैं गुरुजी के पास मिलने गया तो जैसे ही मैं चिड़िया उतर रहा था, गुरुजी बोले भाई डॉक्टर बताओ कहाँ ऑपरेशन हुआ तुम्हारी वाइफ का। तो मैंने कहा गुरुजी हम दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब में है, वर्किंग है, हमारा नेचर ऑफ जॉब इतना ज्यादा डीआईटी के साथ है मूवमेंट, तो वी कैन नॉट स्पेयर दैट मच टाइम। तो गुरुजी का चेहरा थोड़ा सा चेंज हुआ और गुरुजी ने कहा कि आज के बाद इसको ये दिक्कत नहीं रहेगी, आज के बाद इसकी समस्या नहीं रहेगी, इसका कल्याण किया। एंड बिलीव मी सिंस देन, जो वाइफ को प्रेगनेंसी से पहले मेडिकल लाइफ में दो किडनी में स्टोन थे, उसके बाद उस पल के बाद मेरी वाइफ को कभी न स्टोन की प्रॉब्लम हुई न उसमें स्टोन कहाँ गए, ये गुरुजी जानते हैं। और उसके बाद प्रेगनेंसी बहुत ही हेल एंड हार्टी चलती रही। अब डिलीवरी का टाइम आया तो डिलीवरी के टाइम में वाइफ एज आई टोल्ड के थी गायनेकोलॉजिस्ट, उसने काफी सारे ऑपरेशन और डिलीवरी कराई हुई है, तो उसको ऑपरेशन से थोड़ा सा वो था कि भय था, डर था कि डिलीवरी मेरी ऑपरेशन से ना हो। तो गुरुजी के यहाँ एक बहुत अच्छा सिस्टम था, गुरुजी खुद बात करते थे लोगों से, गुरुजी कभी किसी को मीडिएटर या माध्यम बना के गुरुजी ने कभी नहीं कहा, सबको खुद होप दी है। तो सबसे बड़े इस सिस्टम की सराहनीय बात है कि गुरुजी ने खुद जिसके कष्ट है दुख है उसकी खुद सुनी है, खुद उसे अपने हाथ से प्रसाद बांटा है और अपने आप उसकी बात सुनी है और उसको ब्लेस उसी के लेवल पे किया है। जो कि बहुत मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ, मैंने ऐसा सिस्टम और कहीं नहीं देखा। गुरुजी ने कितनी भी संगत आ जाए हजारों में अपने हाथ से प्रसाद दिया है, अपनी ध्यान में सबको रखा है, सबको ब्लेस किया है। तो गुरुजी ने जैसे ही मैंने कहा गुरुजी ये ऑपरेशन तो नहीं हुआ लेकिन ये दिक्कत हुई है, तो वाइफ का वो चाह रही थी कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, तो वाइफ जैसे मेरे से पीछे बात कर रही थी तो गुरुजी ने बुला लिया मेरे को। गुरुजी बोले कि भाई क्या डॉक्टर समझा रहे हो उसको, डॉक्टर मैंने कहा नहीं जी गुरुजी कुछ स्वीटी की प्रॉब्लम है, तो बोले ठीक है इसको बुलाया। तो मेरी वाइफ ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो और मेरे सिजेरियन ना हो, मेरी फर्स्ट डिलीवरी है। तो गुरुजी बोले नहीं तुम्हारा तो सिजेरियन होगा, तुम डॉक्टर दूसरे लोगों को पेट काट के पैसे कमाते हो, तुम खुद फील करो कि कैसे लगता है दूसरे को वो करने का। तो मेरी वाइफ बोली गुरुजी हम तो आपके फॉलोअर हैं, हम तो बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो गुरुजी बोले नहीं जा, तो जाने लगी भाई तो गुरुजी ने पीछे से आवाज दी, गुरुजी बोले भाई तुम्हारे मेल चाइल्ड मुंडा होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगा, ब्लेस किया तुमने। 30 जून 2000 डिलीवरी का टाइम आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद वाइफ का सीजन के लिए डॉक्टर कंसेंट मांगने लगे, बट गुरुजी की मैं पर्स में फोटो रखता हूँ तो मैंने गुरुजी को याद किया, मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था नॉर्मल डिलीवरी होगी बट ये तो सिजेरियन करने वाले हैं। तो मेरे मन से एक वाइब्रेशन आया कि भाई मैंने कंसेंट नहीं देनी है, इन्हें जो करना है वो करें। तो डॉक्टर्स उसको जबरदस्ती ओटी में ले गए, मेरे साथ के बहुत सारे सीनियर और जूनियर कलीग थे, तो वो जैसे ही ऑपरेशन करने वाले थे सिस्टर अंदर से बाहर आई, उसने बोला डॉक्टर साहब आपको अंदर बुला रहे हैं, इससे पहले बच्चे की पल्स वगैरह बढ़ चुकी थी तो हमने कहा देखें क्या अंतर्वर्ष हुआ। तो इट वॉज शॉकिंग टू डॉक्टर एंड मी कि जब मैं ओटी टेबल पे पहुंचा तो नॉर्मल मेल चाइल्ड डॉक्टर के हाथ में था, जो डॉक्टर हमारी वाइफ की सर्जरी करने वाला था वो उसके ग्लव्स और नाइफ उसके हाथ में था, एंड दे वी आर ऑल स्टंड कि ये हुआ क्या, बट आई एंड स्वीटी वी आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट मिरेकल इज गोइंग ऑन विद अस एंड फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द ब्लेसिंग। तो इस तरह की चीजें हैं कि जहाँ पे अगर आप जितनी नम्रता और जितना लेमैन और जितना लेबर बन के आएंगे और जितना इफ एंड बट छोड़ के आएंगे उतना ही आपको सरेंडर करना पड़ेगा,
इस देश में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अच्छा है वो आपका है, जो बुरा है वो पड़ोसी का है या दूसरे का है। तो आप भी अपने बर्तन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को इस काबिल बनाइए कि अगर आप यहाँ गुरु जी के आए हैं तो अपने विश्वास को, अपनी होप को और अपने सरेंडर पावर को उन तक छोड़ दीजिए। इसके लिए गुरु जी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देते थे कि पतंग है, पतंग जब ढील देते हैं तभी ऊपर जाती है। पतंग को अगर आप खींच के पकड़े रहो तो पतंग वहीं खड़ी रहेगी। पतंग को तो आप ढील दो, आप किसी के दूसरे के लिए गुरु जी के ऊपर समर्पित होके उनको याद करके अपनी परेशानी, अपनी जो भी जिज्ञासा है उसको ढूंढिए और विश्वास करिए कि आपको उसका आंसर जरूरी नहीं है गुरु जी दें, आपको संगत, आपको जहाँ गए हैं वहाँ से या आपको किसी सिस्टम के माध्यम से मिलेगा। ये मैं एज ए डॉक्टर विश्वास के साथ आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बात, इसमें कहीं भी गलती है नहीं। गुरु जी ने जिससे भी जो कहा है वो आज तक सत्य हुआ है। उसके लिए एक छोटा सा हमें एक ध्यान आ रहा है सत्संग कि एक मिस्टर सैगल थे यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी, सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट में करीब 12-13 साल पहले। तो गुरु जी के जैसे किसी की मैरिज के कार्ड आते थे तो गुरु जी उसमें नाम लिख के दे देते थे कई बार किसको जाना है, वो लोग फिर जाना होता था उन्हें। तो गुरु जी ने उसमें लिखा उनका नाम मिस्टर सैगल का, उन्होंने लिख दिया चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो वो बहुत सीनियर आईएएस और बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे। तो वो गुरुजी के पास वापस आए, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं तो एडिशनल सेक्रेटरी हूँ, मैं तो आऊंगा नहीं इस सत्संग में क्योंकि मैं तो चीफ सेक्रेटरी हूँ नहीं और आपने लिख दिया। तो गुरुजी ने पेन मांगा मेरे से, बोले पेन देना, फिर एकदम रुक गए। गुरुजी बोले नहीं जो लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। तुम बोला कि मैं नहीं आऊंगा। जैसे मार्च में कार्ड दिया और करीब 1 मई को 2 मई को शादी थी, वो मेरे को आज भी याद है। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, कार्ड रख लो आप। वो चलता रहा सिलसिला और उधर टाइम पास आने लगा शादी का। तो 30 अप्रैल या 1 मई को उनका प्रमोशन होके वो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हो गए। तो उसी रात वो बेचारे गुरुजी के पास आए और एकदम बहुत बुरी तरह रो के एकदम चरणों में गिर गए। तो गुरुजी बोले भाई सैगल अंकल कल मुलाकात होगी फिर वहां पर शादी में कि नहीं। तो वो रोने लगे, उनके पास कोई शब्द नहीं थे। बोले गुरुजी मैं कितना अज्ञानी हूँ, आपके पास में बैठता हूँ तो भी मेरे मन में ये संता आ गई। तो गुरुजी बोले कि नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग तो आते हो, हम तो दिन भर इसी विधा में है, फिर भी कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो तुम्हारे मन में परिवार के साथ रहते अगर ये संता आ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम जुड़े हो, तुम्हें स्पिरिचुअल पावर मिल गई है, ये बड़ी बात है। एक मिस्टर मन्नन आते थे गुरु जी के पास, जो अटल बिहारी वाजपेयी के एसीएस थे, उनको एक एयर क्रैश में उनके सर्वाइकल कॉलर में प्रॉब्लम हो गई थी। तो वो सर्वाइकल कॉलर नेक पहनने लगे थे, बहुत सालों से मैं उन्हें जानता हूँ। तो वो गुरुजी के पास आए मिलने, तो गुरुजी ने कहा भाई डॉक्टर ये क्या लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी इनको एक प्लेन क्रैश हो गया था, तब से इनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, गर्दन मोड़ नहीं पाते हैं। तो गुरु जैसे वो झुकने लगे पैर बिल्कुल श्रद्धा से, तो गुरुजी ने उनके गर्दन पे हाथ घुमाया और घुमा के वो जो कॉलर थी उनकी वो खींच के बाहर फेंक दी आगे को। तो वो एकदम मन्नन साहब बड़े दुखी हो गए। मन्नन साहब बोले कि अरे भाई मेरे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी नर्व्स की प्रॉब्लम है। तो गुरुजी मैं उठाने लगा उसे, तो गुरुजी बोले इनको उठाने दो खुदी। तो वो जल्दी से उठा के उन्होंने गर्दन में लगा लिया, सुनने वाला सारांश है। तो जैसे ही उन्होंने लगाया तो गुरुजी ने उनको आगे बुलाया बड़े गुस्से में, बोले अरे आप इसको लगा रहे हो, आप देखो आपकी गर्दन में प्रॉब्लम है भी कि नहीं। बोला जी मेरे को पता है पिछले 15 साल से मैं प्रॉब्लम में हूँ। बोले नहीं नहीं आप तो ये लोगों को दिखाने के लिए लगा रहे हो, आप देखिए कि आपकी गर्दन में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो हम बताया ना, हम लोग गुरु जी की बातों को एकदम डेड लाइन ब्लाइंड सपोर्टर या ब्लाइंड बिल्कुल उसमें फील करते थे और करते हैं जो भी हमें वाइब्रेशन मिलते हैं। तो मैं जैसे हटाने लगा तो मन्नन साहब रोने लगे। तो गुरुजी बोले कि भाई इनकी गर्दन बाएं घुमाओ, उन्होंने बाएं घुमाई दाएं घुमाई, मन्नन साहब रोते रहे, उन्होंने कहा ऊपर करो नीचे करो, मन्नन साहब ने चारों तरफ अपनी गर्दन कर ली। तो गुरुजी बोले भाई इसको क्यों लगाए हो, जब आपके गर्दन में प्रॉब्लम ही नहीं है तो इसको आप लगाए किस लिए हो। तो मन्नन साहब जिस गति से रो रहे थे उसी गति से वो हंसने लगे। तो फिर भी वो कॉलर लगाने लगे ऐसे भय में। गुरु जी ने बोले नहीं ब्लेस किया, आज के बाद तुम्हारी ये प्रॉब्लम दूर होगी और तुम धन्यवाद दो कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए और तुम्हारी समस्या यहाँ होनी थी। और वो इतने डेथ कॉलर गुरु जी के हो गए कि 70+ के बाद भी वो रेगुलरली आश्रम आते थे। तो मैं बड़ा परेशान, कहता भाई तू यहाँ डॉक्टरों में तेरी अच्छी जानकारी है, देख कौन अच्छा सा डॉक्टर है, मेरे पेट में दर्द रहता है कई बार।
तो मैंने कहा गुरु जी कल करा लेंगे, बोले नहीं अभी होना है, अभी इसी पल, और उसके बाद इंडिया गेट जाएंगे, वहाँ आइसक्रीम खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मैंने सोचा कि अब गुरुजी को कहाँ ले जाऊँ, गाड़ी चल रही है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं गुरुजी को, मेरे गुरुजी मैं कहाँ ले जाऊँ, कितने अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊँ। तो मेरे मन में एक वाइब्रेशन आता है कि यार मैं प्राइवेट में ले जाऊंगा तो वो पैसे के लालच में कुछ गलत रिपोर्ट दे सकता है। तो मैंने कहा आर्मी हॉस्पिटल चलते हैं आरआर। तो मैं गुरुजी को लेकर आरआर हॉस्पिटल पहुंच गया। तो मैं जब आरआर हॉस्पिटल पहुंचा तो गुरुजी ने बोला अल्ट्रासाउंड कराओ डॉक्टर साहब, और एक मेरे साथ अंकल थे, तो गुरुजी बड़ा फास्ट चलते थे। शायद बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगा कि गुरुजी के कभी शूज या उसमें कभी मिट्टी नहीं लगती थी, वो एक अलग शक्ति से अपना वॉक करते थे और चलते थे। तो मैं बहुत तेज उनके साथ वॉक करता रहा। एक अंकल थे, उन्होंने बोला कि जाके अल्ट्रासाउंड के लिए बात करके आओ। तो जो कर्नल साहब ड्यूटी पे थे वो घर से आए और उन्होंने बोला भाई पेशेंट कौन है बेटा। तो उन्होंने दूर से बताया अंकल ने कि वो जो टहल रहे हैं ना डॉक्टर अनिल के साथ, उनका होना अल्ट्रासाउंड। तो वो बहुत जैसे आर्मी वाले फौजी रहते हैं बड़ा स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने बोला कि अरे क्या आप लोग मजाक करने आ गए रात में मेरे को जगाने के लिए, बताइए वो आराम से टहल रहे हैं, आप बता रहे हैं उनके पेट में दर्द है। तो उसने बहुत थोड़ी सी रफ लैंग्वेज में बोला कि लिटा दो इनको। तो मैंने कहा सर मेरे गुरुजी हैं, थोड़ा आराम से आप बात करिए। तो गुरुजी ने मेरे को हाथ दबा के बोला कि नहीं इसको कहने दो जो कह रहा है। जैसे ही लिटाया तो गुरुजी ने ऐसी अपनी शर्ट हटाई तो जो अंदर का रूम था वो पूरा फ्रेग्रेंस में आ गया। बहुत ही एकदम मतलब जो उसका अल्ट्रासाउंड रूम था एकदम जो जितनी नींद में वो कर्नल साहब थे उनकी नींद खुल गई एकदम, और गुरुजी के जो अम्बलिकस था नाभि था उससे अमृत निकल रहा था। तो गुरुजी ने हमसे कहा कि इसको माथे पे लगाओ। तो मैंने मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ उस दिन, गुरुजी ने जो मेरे से मेहनत कराई और वो अंकल उन्होंने माथे पे लगाया हमें, और वो सीन मेरी जिंदगी में छप गया। उसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता, फील नहीं करवा सकता, बट आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या दृश्य था और हमने किस चीज की अनुभूति की। मैं उसको आपको होप दे रहा हूँ कि आप सब भी ऐसी अनुभूति ले सकते हैं। आपको सिर्फ श्रद्धा सरेंडर, केवल कोई पैसे कोई रुपए की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं अभी आपको सत्संग सुनाऊंगा, आपको सिर्फ अच्छे मन अच्छे पात्र की पात्रता की जरूरत है। तो जैसे ही उन्होंने मैंने लगाया तो वो जो डॉक्टर थे जब तक वो समझ चुके थे कि अल्ट्रासाउंड जब करते करते उन्हें कहीं कुछ फॉल्ट नहीं मिला। तो मैंने कहा सर ठीक से करिए मेरे गुरु जी। बोले यार इनके ऑर्गन जो है वो 14-15 साल के बच्चे के बराबर है और कोई भी ऑर्गन में प्रॉब्लम नहीं है। तो गुरु जी बोले मेरे राइट साइड में डॉक्टर पीछे कभी कभी दर्द जाता है। तो गुरु जी को मैंने टिल्ट किया, टिल्ट करते ही उन्होंने पीछे प्रोब लगवाई तो वो समझ चुका था, उसने प्रोब रख के और वो जमीन में बैठ गए कर्नल साहब और एकदम बहुत बुरी तरह परेशान से हो गए। तो गुरु जी ने मेरा सहारा लेके गुरु जी उठे और उसको जो करीब करीब उस चरणों पे आ गए गुरु जी के, तो उन्होंने पैर नहीं छोड़े गुरु जी के। तो गुरु जी जमीन पे आ गए और गुरु जी ने उन्हें उठा के सीने से लगाया। बोला भाई मैं अल्ट्रासाउंड कराने नहीं आया था, मैं तो तेरा सीटी स्कैन करने आया था। तू अपनी बीवी से दुखी है, तेरे दोनों बच्चे तेरी बात नहीं सुनते और तू अभी भी लड़ाई करके आ रहा है। तो मैंने कहा इसी पल तुझे ब्लेस किया जाए। मेरे मन में इतनी इच्छा आई कि तो मैंने कहा मैं तो देखिए गुरु जी की मैंने बात बोली ना कि कभी भी कोई बात का हर बात का मतलब रहता था। तो बोले भाई डॉक्टर ठीक किया ना रात में अल्ट्रासाउंड करवाने आए। हाँ मैंने कहा जी ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, मैं तो सुनने के लिए कह रहा था। तो वो उनको बोला कि आश्रम में आना। उसके बाद बोले गुरुजी के यार कभी चलते चलते मैं ना थक जाता हूँ और मेरे को लगता है जैसे एक चक्कर आ रहा है, तो ब्लड शुगर और करा लेते हैं। तो मैं कहा गुरुजी क्या स्किन इन करेंगे, चलिए चलते हैं अभी आइसक्रीम खाना है अपने को वहाँ चलेंगे। तो गुरुजी बोले नहीं करा लेते हैं। तो वो बेचारा लैब टेक्नीशियन आया, उसने ब्लड निकाला तो मेरे को बड़ा कष्ट हुआ उंगली से, और वो बड़ी देर तक जब नहीं उसको चेक कर पाया तो गुरुजी ने कहा भाई देखो डॉक्टर ऊपर रिपोर्ट क्या हो गई। तो वो लैब टेक्नीशियन बड़ा बिल्कुल सर्दी का टाइम था, बड़ा पानी पानी एकदम पसीने में, कहता है डॉक्टर भी तो मेरे से ब्लड लगता है कुछ मिक्स हो गया है और ब्लड शुगर 28 आ रहा है इसमें। मैं कहा भाई बता दो नीचे जाके गुरुजी से। फिर गुरुजी का माध्यम हमेशा सिंपल सीधा सरल सामने वाला था, उसमें कोई शोर मरोड़ नहीं, कोई उसमें माध्यम नहीं, कोई उसमें एडवोकेट नहीं, कोई उसमें जज नहीं, सब उनका अपना सिस्टम था। तो जब उसने बोला तो उसने बोला जी मेरे को लगता है मेरे से ब्लड फैल गया या कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं दोबारा करना चाहता हूँ। तो गुरुजी बोले भाई ले लो सैंपल ले लो, उंगली करने लगे। तो मेरे मन में बड़ा दुख लगा कि भाई ये दोबारा प्रिक करेगा गुरुजी को। तो गुरुजी इतना जल्दी वॉलंटियर करते थे अपने को, बोले ठीक है यार ब्लड लेने दो इसको। वो ब्लड लेके फिर अपना टहलने लगे हमारे पास। तो जो अंकल थे वो आए तो बोले जी ये तो 24 करीब आ रहा है ब्लड शुगर। तो वो इतना इतना ज्यादा जबरदस्त मतलब ईमानदार टेक्नीशियन था,
बोला जी मैंने जिंदगी के 30 साल बहुत मेहनत से एक रुपए भी बिना इधर उधर किए मेरी जिंदगी में मैं यहाँ का बेस्ट लैब टेक्नीशियन हूँ। आर्यन सिंह नाम था उसका। तो बोला मैंने इससे मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर मैं इस टेस्ट को नहीं कर पा रहा हूँ तो इसमें कोई ना कोई भगवान की रजा है। मेरा मैं अब कंफर्म कह रहा हूँ कि जो मैंने ब्लड शुगर निकाला वो सही है। तो गुरुजी एकदम जैसे ही वो झुकने लगा तो गुरुजी बोले नहीं तू बहुत ईमानदार आदमी है इसीलिए मैं तेरे को इस समय लैब करने आया हूँ। अब तुम जुलाई में मेरे पास आना और अपनी कार से अपने बच्चों को लेके आना। तो बोला गुरुजी मैं तो साइकिल से चलता हूँ मैंने तो अपनी जिंदगी साइकिल से निकाल दी। गुरुजी बोले यार तुम्हें हमने ब्लेस किया है अब तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना है अब तुम जुलाई में आओगे। तो हम लोगों ने और अंकल ने रोका कि तुम बोलो कम सुनो ज्यादा। अगर गुरुजी कह रहे हैं तुम्हें कार से आना है तो तुम बस इतना सुन लो। तो हम लोग चले गए वहां से वो हाँ गुरुजी उसको रोक दिया है कह रहे वो बहुत ज्यादा आतुर था कि सुबह ही आश्रम आ जाए। तो गुरुजी ने बोला नहीं तो जुलाई में कार से आना साइकिल से नहीं आना मेरे आश्रम। तो बहुत परेशान हो गया मेरे को एक बार बीच में फोन किया उसने कि डॉक्टर टैक्सी से आ जाते हैं कार से ही तो बोला उन्होंने। मैं कहा नहीं भाई तुम्हारी कार से बोला है तुम वहां की बातों को बहुत हल्के में मत लो जो उन्होंने कहा है वो तुम्हारे भले के लिए कहा होगा। तो इस बीच अप्रैल मई में जब इंटरव्यू वगैरह हुए और ये एग्जाम दिए तो उसका एक बच्चा डॉक्टर और एक बच्चा इंजीनियर निकल गया। और जून में उसके कुछ पुराने पैसे थे जो 7-8 साल पहले उसकी कई जॉब वॉब से नहीं मिले थे वो अचानक उसे 25-30 जून के बीच में मिल गए। तो फर्स्ट वीक में उसने गाड़ी ली और वो वहां आया। तो गुरुजी बोला भाई मैंने अपना ब्लेस किया। तो वो पूरा परिवार एकदम चरणों में झुक गया कहता जी गुरुजी आपने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। मैं कभी मेरा सपना था कि मैं लैब टेक्नीशियन हूँ मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊंगा बताइए कि मेरे एक बच्चा डॉक्टर सेलेक्ट हो गया एक इंजीनियर और आपने जो हमें खुशहाली दी है उसका मैं शुक्रिया अदा करने के लायक ही नहीं समझता सिर्फ मेरे को आप ये बताइए कि हम क्या करें। तो गुरुजी ने बोला कि तुम सिर्फ ईमानदारी से इसी तरह तुम्हें काम करना है किसी से डरना नहीं है और ईमानदारी से इसी तरह आगे बढ़ते रहना। वो इतना ज्यादा डेट फॉलोअर हो गया और गुरुजी के मन में वो हम लोग 4-5 ऐसे लोगों ने एक प्रेरणा गुरुजी ने दी हम लोग को कि एक आश्रम में एक मंदिर भी होना चाहिए जो शायद आप लोग को पता हो डुगरी में मंदिर जगह जगह गुरुजी की कृपा से हो गई है और वहाँ हॉस्पिटल बनने जा रहा है बहुत बड़ा जिससे कि गाँव के लोगों का और लोगों का और आधुनिक मशीनरी के द्वारा सबकी मदद की जाएगी। गुरुजी ने जैसा मैंने बताया कि कभी भी बहुत अमीर या रईस या गरीब आदमी का डिफरेंस नहीं रखा। एक बहुत बड़े हीरा व्यापारी थे वो सूरत से गुरुजी के पास बहुत सारे पैसे लेके एम्बेसडर कार में आए और उन्हें बड़ा घमंड था कि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तो ये आश्रम उस समय जमीन ली गई थी और इसमें बहुत सारे काम चल रहे थे मतलब ईंट पत्थर ही थे बहुत अच्छा स्टेटस पे नहीं चल रहा था काम। तो उनको बड़ा अपने में मैं थी मैं गुरुजी ने बहुत सारे लोगों की सोच उनकी समझ और उनकी जो शक्ति है उसको परिवर्तित किया। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है बहुत बड़ी बड़ी ताकत का कमाल है। तो गुरुजी ने उससे बोला कि भाई डॉक्टर इनको आश्रम घुमा दो और इनको देख लो कि जहाँ भी पैसे की जरूरत है वहाँ ये लगा देंगे। तो जब वो हमारे साथ आश्रम घूमने को निकले तो विश्वास मानिए कि जो जो कमियां थी जो आश्रम आज जिस दशा में है वो उस दशा को व्याख्यान कर रहे थे उस दशा के बारे में बता रहे थे। तो मैं अंदर से मेरे को लग रहा था यार क्या गुरुजी भी चमत्कार कर रहे हैं यहाँ पे इतनी पैसे की जरूरत है यहाँ पे इतना चेंज की जरूरत है। बट उस व्यक्ति को जो सूरत से पटेल साहब आए थे उन्हें वो सब दिखाई नहीं दे रहा था उनकी आंखों से उन्हें बहुत अच्छा आश्रम दिखाई दे रहा था ऐसी शिवलिंग लगी हुई थी। तो जब वो घूम के आए तो गुरुजी बोले भाई बैठकर डॉक्टर इनको लंगर कराओ। तो मेरे को बड़े अंतरात्मा से खुशी थी कि भाई अभी ये आश्रम में कुछ अच्छा परिवर्तन होगा और जिससे सब लोग बहुत अच्छी ब्लेसिंग और खुशी का आनंद ले पाएंगे। तो गुरुजी ने बोला भाई कहाँ पे आपको कमी लगी पटेल साहब। तो बोला जी यहाँ तो आश्रम में कोई दिक्कत ही नहीं है तो बहुत अच्छा आश्रम है मैंने इतना बड़ा आश्रम कभी नहीं देखा और ऐसे शिवलिंग है और सब लोग आराम से घूम रहे हैं लॉन है कभी वैसा कुछ भी नहीं था विश्वास मानिए पथरीली जमीन थी उस समय वहां पर और बहुत ज्यादा पत्थर वगैरह लगे हुए थे। तो जब वो चले गए तो गुरुजी ने बोला ठीक है फिर तो पैसे तो मैं रखता नहीं हूँ अगर यहाँ पे आश्रम में पैसे लगने नहीं है तो आप ले जाइए। फिर तो जब वो जाने लगे तो हम लोगों ने गुरुजी से कई बार हम लोग चर्चा भी कर लेते थे गुरुजी की कृपा थी बात भी कर लेते थे। तो गुरुजी ने बोला कि डॉक्टर इसके पैसे इस आश्रम में लगने नहीं है
जैसा हमारे पुरानी संगत वालों ने बोला, जो पुरानी संगत है, कि ये बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थान बनने जा रहा है, तो इसमें ऐसे किसी व्यक्ति की योगदान, चाहे वो श्रम हो या दान हो, वो कुछ भी यहाँ पे लगेगा नहीं। ये बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थान बनने जा रहा है, तो इसलिए बेशक आज इस आश्रम को पैसे की जरूरत है, लेकिन ऐसे किसी आदमी के यहाँ पैसे या उसकी मेहनत नहीं लग पाएगी जिससे इस आश्रम की पवित्रता कम हो। हम सबके आंसू आ गए और हम लोग बड़ा अपने को छोटा महसूस करने लगे। तो उसी समय पर यहाँ पे पत्थर, जैसे मैं बताया, बहुत पथरीली जमीन थी, तो कुछ पौधे वौधे लगाते थे तो वो लगते नहीं थे। लेकिन दोपहर में गुरु जी टहलने आए और गुरु जी को माली ने बताया कि आप जो है वो कर ले, क्या नाम है, ये इस पर पत्थर, हम लोग पौधे लगाते हैं तो लगते नहीं है। तो जो गुरु जी बोले, कोई बात नहीं, कौन से पौधे लगने हैं, कल दोपहर के बाद यहाँ पे पौधे लगा देना जहाँ भी मर्जी हो। गुरु जी ने 2-3 चक्कर आश्रम के काटे और पूरी जमीन को ब्लास्ट करते हुए चले गए। आप लोग कभी ध्यान से 1-2 घंटे पहले शाम को या दोपहर में आश्रम जाइएगा और आपको बड़ा आश्चर्य और बड़ा अच्छी अनुभूति होगी कि वहाँ पर वो सब पौधे लगे हुए हैं जो नॉर्मल उस क्लाइमेट में नहीं रह सकते। आप उस आश्रम में जाइए और थोड़ा थोड़ा समय देके पूरे आश्रम को घूमिए और देखिए कि वो एक चमत्कार जो प्रभु का गुरु जी ने किया, वो आप देखिए कि वहाँ जो पौधे होने नहीं चाहिए वो पौधे भी वहाँ लगे हुए हैं। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी। गुरु जी ने कभी किसी अमीर गरीब और उसको महसूस नहीं किया। मैं तो VIP के साथ डॉक्टर हूँ, गुरु जी के साथ हम लोग जब संगत में चलते थे कारगेट में, तो किसी की भी कारगेट दूर थी। जिस स्पीड से गाड़ियां जाती थी, जो व्यवस्थाएं होती थी, गुरु जी ने सब आदमियों को एक अच्छी जिंदगी, अच्छा अनुभव और सेल्फ कॉन्फिडेंस देने की जो चेष्टा की है और कर रहे हैं, वो आप सब लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि उसको महसूस करें और उस चीज को अपने अंदर डालें और अपने विश्वास को बनाए रखें। यही सबसे बड़ी हमारी सोच थी और गुरु जी को याद करने के लिए पूर्ण बात होगी। जय गुरु जी।